इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय साहब मौजूद हैं। सर, आज आपने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, कल पूरे देश में आह्वान है, लेकिन हमें वो संसद की तस्वीर नजर आ रही है। कैसी होगी तस्वीर जब सत्र के दौरान? देखिए, पूरे देश में लाखों बच्चों का भविष्य नीट एग्जाम से दाव पे लगा है। लाखों बच्चे, उनके लाखों लाखों गार्जियन आज पूरी तरह से निराश हैं। इतनी मेहनत के बाद, कड़ी तपस्या के बाद तैयारी करके बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं, आज पूरे देश की एक ही मांग है, इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जो घोटाले की जांच कराई जाए और बच्चों को न्याय दिया जाए। लेकिन सर, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं, सरकार को लेना है। सरकार जाँच कराएगी, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में सरकार भाग नहीं सकती है। प्रारंभिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा नहीं माना है अभी तक कि कोई धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार को इस घोटाले की जांच करानी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और देश के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक बार की बात नहीं है, बार बार पेपर लीक, बार बार पेपर लीक, बार बार पूरा देश के अंदर एक सिलसिला चल पड़ा है, इसलिए लोग चिंतित हैं। सरकार को छात्रों की मांग को माननी चाहिए। एक चिंता हमें भी है सर, क्या इस बार सत्र शांतिपूर्ण चल पाएगा या नीट के मामले पे, एनटीए के मामले पे एक बार फिर हंगामा देखने को मिलेगा? अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं करती है तो संसद में ये बात उठेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे गोपाल राय जी, ये कह रहे थे कि अगर सरकार छात्रों की बातों को ध्यान नहीं देती है तो संसद में भी इस बार जोरदार आवाज उठेगी। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ श्रीनिवास, जंतर मंतर, दिल्ली।